एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत ड्रामेटिक ब्लू एंड सिल्वर आई लुक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर की हेल्प से। मैं टैप टैप करके डमी पे कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी। कंसीलर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद देन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से बेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया है, तो आप लोगों की चॉइस है। आप क्रेयॉन की स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास बेस है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में क्रेयॉन की स्टिक ही हमेशा यूज़ किया है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं कंसीलर यूज़ करके चेक करूँ कैसा मतलब कंसीलर के साथ मेकअप होता है। तो देन मैं इमली के प्रेस पाउडर के साथ डमी को सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद एक छोटे ब्रश की हेल्प से मैं आईब्रोज को हल्का हल्का नीट कर लूँगी। अगर आप लोगों को आईब्रो फिल नहीं करने आते तो इसके पर भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना दूँगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पे मैं एक ये वाला ब्लू शेडो ले रही हूँ। एक स्मॉल एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अपने आउटर कॉर्नर को वी शेप में क्रिएट करूँगी। देन दूसरे आईज़ को भी सेम वी शेप में। तो यहाँ पे मैंने वी शेप बनाया है, फिर उसके अंदर ब्लू शेडो को डार्क करके अप्लाई कर रही हूँ। तो बार बार यहाँ पे मैं अपने आउटर कॉर्नर को वी शेप जो मैंने क्रिएट किया है इसको डार्क कर रही हूँ। देन एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसे इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रीज एरिया को भी क्रिएट कर लिया है, ताकि थोड़ी हल्की सी मैंने क्रीज पे भी ब्लू शेडो को ब्लेंड किया है। तो यहाँ पे सिल्वर शेडो से अपने लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। तो जिन लोगों को डमी पे मेकअप करना मुश्किल लगता है वो एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर मेकअप आ जाएगा। तो आप लोग टेंशन ना लिया करें। आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियोज़ देख कर भी सीख सकते हैं। तो देन मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा अपने क्रीज एरिया को ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया, सेम जो ब्लू ब्रश के अंदर था वो ही मैंने अप्लाई किया। तो यहाँ पे मैं सिल्वर ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। ये वाले ग्लिटर मैंने एक लोकल मार्केट से लिए थे 100 में। अगर आप लोग भी कहीं मार्केट वगैरह में जाते हैं तो आप लोगों को छोटी छोटी सी चीज़ें भी नज़र आती तो आप लोग ले लिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो ब्रांडेड चीज़ें अच्छी नहीं लगती वही बहुत रीज़नेबल प्राइस में, चीप प्राइस में जो चीज़ें मिलती हैं वही हम यूज़ करते हैं। तो लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से आपने चीज़ ली, ये वो। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, अगर आप लोगों को कोई भी कहीं से भी चीज़ अच्छी लगती तो आप लोग परचेज़ कर लें। तो यहाँ पे मैं हल्का सा सेम जो मैंने अपने आईब्रोज को फिल किया था उसी ब्रश के में हल्का मैंने थोड़ा सी से गीला करके ब्लू शेडो अपने आउटर कॉर्नर की तरफ एज अ लाइनर अप्लाई कर रही हूँ वी शेप में, ताकि मेरी लुक थोड़ी सी और इन्हेंस होकर आए और प्यारी लगे। यहाँ पे मैंने सेम ब्लू शेडो भी अपने लोअर लैशेज पर अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अंजीर की आई लैशेज। तो यहाँ पे मैंने सीलर यूज़ किया है अपने ब्रांड का। अगर आप लोग ये वाली कलेक्शन देखना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम पे मेरे ग्लिटर्स और चंकी ग्लिटर्स और ये सीलर वगैरह आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का हैंडल मेरे बायो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो देन यहाँ पे मैं पिंक शेडो एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ। नोज़ पे मैंने यूज़ कर लिया है। अगर आप लोगों के पास ब्लश नहीं है तो आप लोग कोई भी पिंक शेडो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर सेम जो सिल्वर शेड मैंने लगाया था लिड पे वही यहाँ पे मैंने फोरहेड और नोज़ पे भी अप्लाई कर लिया है। तो देन मैं ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी सिल्वर शेड के साथ। तो यहाँ पे मेरी लुक होती है कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।